सोशल मीडिया पर इंसान आसानी से अपने मन की बातें लिख सकता है और खुद से जुड़े लोगों तक पहुंचा सकता है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद देश की जनता में आक्रोश तो है ही, होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर 2 अलग-अलग हमलों में देश ने अपने 45 वीर जवानों को खोया है। ये जवान वो थे जो अपने घरों पर कुछ दिन आराम की नींद लेकर वापस जा रहे थे, हमारे लिए जागने के लिए, क्योंकि जब वो सीमाओं पर रात भर खड़े रहकर जागते हैं ना साहब, तब जाकर हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। ऐसे में देश की जनता सिपाहियों पर हुए इस आतंकी हमले के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपने अंदर के गुस्से को व्यक्त कर रही है। जगह जगह पर आतंकवाद और पाकिस्तान के पुतले जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा जो देश की जनता में देखने को मिल रहा है, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये इंसानों में भावनाओं के मौजूद होने का सबूत है। ये गुस्सा सबूत है उनके जिंदा होने का। लेकिन इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर जनता के अंदर मौजूद इस गुस्से को देश के अंदर मौजूद कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी पत्रकारों ने और सेलिब्रिटीज़ ने भुनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाना शुरू किया कि देश के अलग अलग हिस्सों में बसे कश्मीरियों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने ये अफवाहें फैलाई कि घाटी में भी बेगुनाह कश्मीरियों को मारा जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। देश की वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने एक ट्वीट किया और लिखा, जो लोग भारत में कश्मीरियों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं, वो देशभक्त नहीं बल्कि देश विरोधी हैं, क्योंकि ये लोग वही कर रहे हैं जो आतंकवादी चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना, सांप्रदायिकता फैलाना और बांटना। दुश्मन पर नजर रखिए और बंद कीजिए ये सब। एक और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है, अगर किसी कश्मीरी को किसी भी तरह से निशाना बनाया जा रहा है तो वो मुझे कॉल या मैसेज करने के लिए स्वतंत्र है। मेरा घर और दिल सभी सही सोचने वाले की तरह आपके लिए खुले हुए हैं। आइए हिंसा की सेना के खिलाफ मिलकर लड़े। एक तीसरी पत्रकार सागरिका घोष ने भी इस अफवाह को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या हम पागल हो गए हैं? कश्मीरियों पर और कश्मीरी छात्रों पर किए जा रहे ये हमले तुरंत बंद करो, वो हमारा परिवार है। पहले से देशद्रोह का आरोप झेल रही जेएनयू छात्रा सहला रशीद ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 से 20 कश्मीरी छात्राएं देहरादून के एक हॉस्टल में पिछले कुछ घंटों से फंसी हुई हैं। बाहर गुस्से से भरी भीड़ खड़ी है जो उन्हें हॉस्टल से निष्कासित करने की मांग कर रही है। ऐसा डॉल्फिन इंस्टीट्यूट में हो रहा है। पुलिस मौजूद है लेकिन भीड़ को भगा नहीं पा रही। इस घटना पर इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पोर्टल में एक खबर भी चलाई। इन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी लोग सोशल मीडिया पर उतर आए हैं। सीआरपीएफ की तरफ से देश भर में बसे कश्मीरियों की मदद के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन ने जवाब दिया, हमने यहाँ मेंशन किए गए इंस्टीट्यूट ऑफ अथॉरिटीज से बात की और देहरादून की लोकल पुलिस से भी बात की, ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। उत्तराखंड पुलिस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर इस तरह के ट्वीट का खंडन किया और लिखा, ये अफवाहें पूरी तरह से तथ्यहीन और भ्रामक हैं। वर्तमान में हॉस्टल में 75 छात्राएं रह रही हैं। छात्राओं द्वारा भी ऐसी अफवाहों का खंडन किया गया है। भाजपा के नेता तरुण विजय ने इंस्टीट्यूट की छात्राओं के फोटो के साथ ट्वीट करके फैलाई जा रही खबर को झूठा बताते हुए लिखा है, उनके हॉस्टल का मालिक हिंदू है, उनके कॉलेज को चलाने वाले लोग हिंदू हैं, जिस बाजार में वो जाती हैं वो हिंदू चलाते हैं, उनके लिए 5 पुलिस महिलाएं लगाई गई हैं। पुलिस चीफ उनसे मिल चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सेकुलर इस्लामिस्तानी मीडिया की फैलाई जा रही नफरत और मिसचीफ का कोई अंत नहीं है। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है, वो यहाँ श्रीनगर से ज़्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू उनसे अपनी बेटियों जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन दिल्ली के नफरत फैलाने वाले मीडिया को ये नहीं दिखता। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने इन सभी की तरफ से फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, पूरे देश में कहीं भी एक भी कश्मीरी पर हमला नहीं हुआ, सफ़ेद झूठ फैलाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग हिस्सा बन गए हैं। फेसबुक पर सेलिब्रेट करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की जा रही है। देहरादून का मामला झूठा साबित हुआ, इस झूठ का एजेंडा क्या है? खुद कश्मीर पुलिस की तरफ से खंडन किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल पर SSP उधमपुर की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, कुछ शरारती तत्व इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि कश्मीर के ड्राइवर्स और कश्मीर की गाड़ियों पर उधमपुर में हमले किए गए, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ और निराधार खबर है। ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंसानियत की दुहाई, संविधान की दुहाई, मानवाधिकारों की दुहाई, न जाने कौन कौन सी दुहाइयाँ देकर कहा जाने लगा है कि इस तरह के हमले ना किए जाएं। लेकिन सच तो ये है कि इस तरह के हमले किए ही नहीं जा रहे, कहीं से इस तरह के किसी हमले की कोई खबर नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, भावुकता में ना आए, किसी भी बात या खबर की सच्चाई जाँच कर ही उस पर भरोसा करें। देश को नीचा दिखाने वाली अफवाहों से बचें, नफरत ना फैलाएं और ना ही किसी को फैलाने दें।
ये वक्त एकजुट होने का है, ये वक्त साथ खड़े होने का है, ये वक्त है कदम से कदम मिलाकर चलने का। जय हिंद।